ईशान अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने नवंबर 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनेंस के पेपर एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस में इनको 80% मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है। खास बात यह है कि एग्जाम से पहले ये काफी दिन तक बीमार रहे। इंस्टीट्यूट ने बोला कि ऑप्ट आउट कर लो, ये ऑप्शन दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने डट कर मुकाबला किया। इन्होंने अपने आप को रिकवर किया। फिर लास्ट के 1 महीने में इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, जबरदस्त पढ़ाई की, और इन्होंने सोचा कि भैया मैं दूंगा तो नवंबर अटेम्प्ट दूंगा, नहीं तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा नवंबर अटेम्प्ट में। सो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आज ये उदाहरण है हम सबके लिए, जिन्होंने जिन्होंने यह सोचकर एग्जाम नहीं दिया कि आगे एग्जाम देंगे तो आसान रहेगा या और तैयारी का मौका मिलेगा। सीए में कितनी ही तैयारी आप कर लें, लास्ट मौके में टाइम कम ही रहता है, तो जितने तैयार हो उतने तैयार होकर ये एग्जाम दो। आज इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। टोटल अगर मैं बताऊं इनका तो 584 इनका टोटल है, 584 टोटल। आप समझ सकते हैं इनको सारे एक पेपर को छोड़कर सारे पेपर में एग्जेम्पशन है, सारे पेपर में एग्जेम्पशन है। 77, 75, 85, 62, 86, 64, एक पेपर में 55 है, 80। क्या कमाल कर दिया ईशान आपने। आपकी तबीयत खराब थी तो ये हाल हुआ है, तबीयत अच्छी होती तो आप तो तहलका मचा देते, तहलका। तो हाँ ईशान सर, ये जी, ऐसे ही आपको सर। खास तौर पर फाइनेंस का क्लास कैसा लगा और आपने किस तरह से क्लासेस किया और उससे कितना बेनिफिट आपको मिला उस क्लास को करके, और आपकी ये सक्सेस की जो मोटिवेशन है वो आपको कहां से मिली, प्लीज आपको हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपको हम सब तो देख ही रहे हैं, आप एक मोटिवेशन हम सब के लिए हैं, तो प्लीज आप कुछ कहें। जैसे मैंने तो स्टार्ट, मैं सीए का मतलब मैं श्योर नहीं था। जब मैं गया तो कॉमर्स में चूज किया था मैंने, तो मैं सोचा मैं श्रीराम में पढ़ूंगा कॉलेज अपनी, और तो फिर वहीं से एसआरसीसी में, प्लेसमेंट लगा के, हाँ एसआरसीसी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं ट्वेल्थ सोचा में तो वहीं कितने से प्लेसमेंट परसेंटेज थे लगा आप, के, ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज मेरे थे? 96.6, 96.6, ठीक है। तो मैं सोचा कि वहीं से करूंगा। फिर मैं जब किया था कॉलेज में अप्लाई किया, मतलब उसमें तो सोसाइटीज में मेरे उसमें हुए नहीं, तो उसमें मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन हुआ था, काफी हद तक डाउन हो गया था। तो मैंने कहाँ सोचा पे कुछ नहीं तो हुआ, करना कहाँ है पे नहीं ऐसे। हुआ? कॉलेज में सोसाइटी होती है ना बहुत सारी, प्लेसमेंट फेयर्स, तो मैं स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, उसमें मेरा नहीं हुआ। हाँ, सोसाइटीज वगैरह में तो उससे क्या होता, मतलब उसमें ज्वाइन करने से? वो सीवी बिल्डिंग के लिए होती है, थोड़ी बहुत मतलब गाइडेंस मिलती है, थर्ड ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट के अंदर हम लोग काम करते थोड़ा बहुत अच्छा, वो सब में। तो फिर उसमें हुए तो मेरे मोटिवेशन बहुत डाउन हो गए थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, वैसे कुछ तो करना है अब, तो मैंने जरा सीए कर लेते हैं। तो मैंने फाउंडेशन में अप्लाई किया, मैंने फाउंडेशन दे दिया अच्छे मजाक मजाक में, मतलब ठीक है क्लियर होता है तो आगे कर लेंगे, फिर तो एमबीए देख लेते हैं। तो फिर मतलब अच्छा हुआ, क्लियर हो गया, फिर मैं आराम से मतलब फिर सोचा कि अब तो इंटर करना, अच्छा से रैंक लेके आना है। अफसोस पर रैंक नहीं आया, कोई बात नहीं, फाइनल में टारगेट करेंगे रैंक का। और फिर तो मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, और पता था कि एफएमए को आपसे लेना, मैंने बहुत सर्च किया, फिर आपसे बात भी हुई थी बीच में, मैं व्हाट्सएप में आप अच्छा से बहुत अच्छा पढ़ाते हो एकदम प्रैक्टिकल, और डाउट क्लियरिंग में मतलब तुरंत इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी मिलता है आपके, मैं मैसेज भेजता हूँ आप तुरंत वापस 1 दिन के अंदर, मतलब 1 दिन भी लगता है, 6-7 घंटे में आप रिप्लाई कर देते हो मेल में दोबारा। और मतलब प्रैक्टिकल एक्सपर्ट पढ़ाते हो कॉन्सेप्ट पे, मतलब मैं बताऊंगा अब सिर्फ आपकी कॉपी पढ़ लो ना एग्जाम के पहले, तो मतलब काफी है, वो काफी है, मतलब अच्छी खासी है, इतना अच्छा, बहुत सही नोट्स बनाया आपने, बहुत सही, वो करके जाता हूँ आराम से। अब मतलब मेरे साथ तो अजीब हो गया था कि मतलब मैं बीमार हो गया था बीच में, तो मैं पढ़ नहीं पाया था, तो फिर जो जो 1.5 दिन मिलते हैं बीच में एग्जाम के गैप, तो उसमें मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने एफएम तो कर लिया था, इको के कुछ कुछ यूनिट्स मेरे छूट गए थे, तो मैंने वो मतलब ऑन दी वे पर जितना किया वो किया, और फिर मैंने पूरा पेपर में मतलब अच्छे खासा लिखा, मैंने बहुत शीट्स लिया एडिशनल, और जितना मैंने पढ़ा था जितने प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे लिया क्लास मैंने का जो सब पढ़ा अप्लाई हुआ कर ध्यान, दिया। क्लास का पढ़ा हुआ भी ध्यान आ गया होगा। हाँ हाँ वही सब मैंने अप्लाई करके मतलब अच्छा सा खूब लिखा, लेकिन इसलिए कभी इसी कभी चीज को क्लास मेहनत का है पढ़ा हुआ बस। भी काम आ जाता है, मतलब एग्जाम हॉल में क्लिक करता हाँ है। एकदम एकदम वो आते, पर एक अफसोस है कि मैं आपसे फेस टू फेस पढ़ना चाहता था, मैं बहुत दूर रहता हूँ तो आ नहीं पाया, फिर कोविड वोविड भी थी, तो मिलने सर मैं मिलना चाहूंगा आपसे सर मतलब प्लीज मैं सोच रहा था अगर आपका तबीयत अच्छा होता तो एफए में तो आप तहलका मचा देते। सर। मैं तो टारगेट था सर 90 अबव थी, पर पता नहीं मतलब हो नहीं पाया उस 1.5 दिन इस बार में हमारे अंदर एक में। स्टूडेंट का 90 अबव आ चुका है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हाँ हैं, मैंने देखा, हाँ मैंने देखा, देखा मैंने। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हमारे।
चलिए बहुत अच्छा लगा ईशान जी, आप तो पेरेंट्स खुश हैं बहुत। बहुत सर बहुत, मैं तुरंत मम्मी वही थी, पापा तो बाहर थे, पापा को मैंने तुरंत कॉल किया, पापा बोले पास बहुत बढ़िया, पापा पूछ रहे थे जैसे क्या लेना बता तुम्हारे लिए आज, आज तो बहुत खुश है। कितना अच्छा इमोशनल मोमेंट रहता पापा मम्मी लोग के लिए। हाँ सर बहुत। तो कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड से रहता हूँ सर, धनबाद झरिया। धनबाद झरिया झरिया, पुरुलिया को जानते हो? पुरुलिया अच्छा नाम तो सुना है मैंने, मतलब ज्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा नाम सुना है। धनबाद से हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट है मेरे धनबाद से, झरिया से। अच्छा चलिए ईशान जी, बहुत और आगे भी आपसे बात करनी है, आप जब फाइनल में जाओगे एसएससी के हो तो आपको तो बस एसएफए में तो ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे कि बस कुछ देखना ही नहीं है। अब तबियत खराब मत, इस बार तबियत खराब मत करना। नहीं नहीं बस मैंने आपको 80% बिना तबियत खराब में 80% आया है, तबियत थोड़ा ठीक करके जाना एसएफए में फाइनल में, 100 out of 100 पक्का है एकदम सर, आप ही से लेना है। मैं जैसे सीएफए भी करूंगा सोच रहा हूँ बीच में। हाँ हाँ तो वो भी आप ही से गाइडेंस लूंगा। गाइडेंस आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। हाँ मैंने देखा आप, मैंने सारे वीडियो देखे सीएफए के कोर्स वर्स के। मैं अभी एक्चुअली वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा तो विंडो क्लोज हो गई है, कर दो ठीक है, कोई दिक्कत में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। हाँ सर एकदम। चलिए ईशान जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, खुशियां मिलती है, आप भी अच्छा करें, हम सब से बात करेंगे, सब बेहतर करें जिंदगी में, यही एक उम्मीद है। ईशान जी ने इतना अच्छा कर दिखाया, इतनी स्ट्रगल के बाद आज ये फाइनल में पहुंचे हैं, और इनकी खुशी, इनकी पेरेंट्स की खुशी का कोई सीमा नहीं है, हम सबको यही खुशी मिले यही मेरा कामना है। तो इस वीडियो को यही ऑफ करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि ईशान जी के लिए जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।